हेलो नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर के दौरान एक होटल में पुलिस ने दबिश देते हुए यहां से दह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने दबिश देने के दौरान होटल में एक युवती दलाल समेत दो जनों को हिरासत में लिया है, जबकि तीन युवतियों को कमरों से आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने दोनों लोगों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है और यह पूरा मामला हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के नादौन के एक होटल से निकल कर आ रहा है। मामले की पुष्टि करते हुए SP हमीरपुर डॉक्टर आकृति शर्मा ने बताया कि मुखबिर की पर पुलिस ने नादौन के एक होटल पर दबिश दी है और यहां से तीन युवतियों को रेस्क्यू किया गया है। एक युवती चंडीगढ़, दूसरी होशियारपुर और तीसरी यूपी की रहने वाली है और दलाल युवती कांगड़ा के ज्वालामुखी की निवासी है। SP के अनुसार होटल के मालिक सोनू को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और काफ़ी समय से शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते प्लानिंग के साथ ही होटल पर दबिश दी गई है और पुलिस ने गोपनीय तरीके से इस अवैध व्यापार को चलाने वाली युवती दलाल के साथ लोगों ने संपर्क किया है और ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि जिस दौरान यहाँ पर दबिश दी गई तो वहाँ पर मौजूद युवक युवतियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके दौरान आपत्तिजनक हालत में ही पकड़ लिया गया है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट को अपनी राय जरूर दें।